भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मावर गांव के पास नेशनल हाईवे 27 में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कानपुर से भोगनीपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदते हुए बाइक से जा रहे दंपत्ति सहित दो बच्चों को रौंदता हुआ खाई में जा गिरा। एक युवक ट्रक में फंसकर घिसटता रहा। मौके से 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स ने ग्रामीणों की मदद से ट्रक में फंसे युवक को बाहर निकाला, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। अभी शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ग्रामीणों की मदद से शवों की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। वहीं मौके से गुजर रहे लोगों ने बताया कि ट्रक अनियंत्रित होकर पहले साइकिल सवार को रौंदा, फिर परिवार सहित बाइक से जो दंपत्ति और दो बच्चे को रौंदता हुआ खाई में जा गिरा। अरे बहुत बुरी तरीके से हादसा हुआ है। क्या हुआ था? अरे उधर से आ रहा था राउंड साइड से, हम लोगों को बचाते हुए आके एक बुड्ढे को मारा, इसके बाद इधर बाइक को मारा। कितने लोग थे? करीबन 5 लोग। एक्सीडेंट का यहाँ ट्रक से आके यहाँ मार दी, बाइक आ रही थी अपनी सीधे, इससे हो गया एक्सीडेंट। राउंड साइड से आगे चला। हाँ। कितने लोग थे? 5 लोग। कौन सी जगह है ये जो हादसा हुआ? मावर चंदन ढाबा। चंदन ढाबा या मावर। अच्छा जी, किस तरीके से हादसा हुआ ये? ये अनंत ट्रक आ रहा था, उस साइड में एक हादसा किया, फिर वो बड़बड़ाहट में तरफ हो गया और इधर 4 लोग ऑन स्पॉट मरे हैं। एक लड़का, उसका उसकी पत्नी, 2 बच्चे। हादसे में टोटल कितने लोग खत्म हुए हैं? टोटल 5 लोग। अच्छा, कहाँ के रहने वाले, तो कुछ पता चल पाया? अभी नहीं पता चल पा रहा है। एक तो उसका पता चला शायद मेरठपुर के हैं, वो साइकिल वाला, इनायतपुर।